मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बार बार प्रपोजल ठुकराए जाने से नाराज युवक ने लड़की पर चाकू से हमला कर दिया और इस हमले के बाद उस लड़की की मौत भी हो गई है। ये पूरी घटना वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि अपने एक दोस्त के जन्मदिन मनाने के लिए ये लड़की कहकर घर से बाहर निकली थी कि अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने के बाद वो वापस घर लौट कर आएगी, मगर तभी रास्ते में ही उस लड़की पर हमला हो गया। ये पूरी घटना दिल्ली के उत्तम नगर में सोमवार की रात करीब 11 बजे के आसपास में हुई है, जिस लड़की पर अंकित गाबा नाम के इस आरोपी ने हमला किया है। उस लड़की की पहचान डॉली बब्बर 22 वर्षीय के रूप में हुई है। आरोपी अंकित गाबा ये जो है इसका एक्स बॉयफ्रेंड है, ऐसा बताया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला एक तरफा प्यार का बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि युवती की हत्या करने वाला युवक अंकित गाबा गुस्से में इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि बार बार अपना प्रपोजल इसका जो है ठुकराया जा रहा था और लड़की इसी बीच जो है घर से अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए बाहर निकली थी और करीब उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर ही उस पर ये हमला हुआ। बताया जा रहा है कि करीब 7 वार इस लड़की पर किया गया था और इस वारदात को फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने लड़की पर हमला होते हुए देखा है, जबकि एक युवक इस लड़की पर हमला कर रहा था और 2 युवक उसे छुड़ाने में लगे हुए थे। पुलिस के मुताबिक डॉली फ्रीलांस इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पर काम करती थी और आरोपी अंकित गाबा ने डॉली के गर्दन, छाती, पीठ, हाथ पर वार किया है। हालांकि हमला होने के बाद बताया जा रहा है कि डॉली खुद चलकर अस्पताल पहुंची थी, मगर उसे बचाया नहीं जा सका है और जो आरोपी है अंकित गाबा वो अभी फरार चल रहा है। बहरहाल एक तरफा प्यार से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, मगर अंकित गाबा की गिरफ्तारी के बाद ही सच सामने आएगा कि आखिर डॉली पर अंकित ने हमला क्यों किया था, क्यों उसकी हत्या की है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।